हुआ क्या आप बताओ मुझे पहले। पहले से बुखार आया। ठीक, कल डॉक्टर ने कह रहे बुखार है। कल आया था? परसों। परसों आप कल इसको देखा फिर क्योंकि अब 102 बुखार है। 102 तो नॉर्मल ही होता वो करेगा। हाँ, अब कल फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं। फिर रात को ये खड़े से एकदम इसने पटकी खाई, पटकी खा के नहीं है इसने जीभ बाहर निकाल ली, हाथ पैर फेंक गया बिल्कुल। ठीक, फिर इससे खड़ा ही ना हुआ गया। फिर डॉक्टर को फोन करा, उनको देविंदर डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ऐसे से परेशानी, तुम जल्दी से आ जाओ। आए, दो इंजेक्शन लगा दे, बोले इसके पेट में दर्द है। अच्छा, चिल्ला भी रहा है, कटहरा रहा है, पलटा खा रहा है, नाल के पलटे मारे तो कटहरा रहा है। दांत कब से किटकिटा रहा है? वैसे दांत पीस रहा है, पेशाब इसे कल से पेशाब ना करा, सुबह से पेशाब की दवाई दी, गोलियां दी तो पेशाब कर लिया इसने, अब भी पेशाब करा। लेकिन ये गोली कौन सी? मसेंगन भी करेंगे इसने, पेशाब की गोली कर दूंगा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपने केस हिस्ट्रीज बकरे की सुनी हुई है और पिछले दो दिन से इसका इलाज चल रहा है नज़दीकी डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर जो इलाज चल रहा है वो तो मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में भी लोगों को पता नहीं है कि बकरे का टेम्परेचर कितना होता है। हालाँकि हीट स्ट्रोक में थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, जो गर्मी का मौसम चल रहा है 102-103 नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जो एक्यूरेट टेम्परेचर है बकरे का 102 डिग्री है। साथियों, इस केस हिस्ट्री को देखकर जो हम पहुंचे हैं वो है, इसको बीमारी का नाम है विटामिन B1, इसको पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पोलियो नाम से भी जाना जाता है। और ये एक थायमिन की कमी के कारण विटामिन B1 होता है बॉडी में, और साथ ही साथ इस कंडीशन में बकरे के दिमागी मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, फ्लूड भर जाता है, जिसके कारण जानवर को दौरे टाइप पड़ने लगते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा नहीं हुआ जाता। और जैसे कि हमने ओनर से पूछा तो ये आज से दो दिन पहले आसमान की तरफ गर्दन को पीछे की तरफ रोटेट कर रहा था, घुमा रहा था और साथ साथ पीछे को लेके जा रहा था, तो इसमें तब लक्षण आ रहे थे। अगर इसको हाई डोज में थायमिन का उपचार नज़दीकी डॉक्टर द्वारा हो जाता तो इस तरह की इसकी कंडीशन नहीं होती। हालांकि हमने इसको पूरा डायग्नोसिस करके देखा है, पूरी केस हिस्ट्री ली है, तो सस्पेक्ट कि हमने किया है कि इसको विटामिन B1 है, पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया है। और यहां पर हमने जो ट्रीटमेंट किया है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, थायमिन जो ज़्यादातर होती है जानवरों में उसके बारे में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो हमने इसको फ्लूड में 5 ml हमने इसमें टाइबीबेट दिया है, 5 ml हमने इसमें टोनोफास्पोन दिया है, और थायमिन हमने इसमें जो बेरिविन नाम से इंजेक्शन आता है वो फ्लूड में हमने इसको साथियों 5 ml दिया है। तो ये तीनों हमने इंजेक्शन यूज़ करे हैं और लगातार कंटिन्यूसली हमें ये 3 दिन उपचार करना है। डीप इंटर मस्कुलर की मैं बात करूँ तो डीप इंटर मस्कुलर जो आपने इंजेक्शन देने हैं, यहाँ पर हमने इसको दिया है साथियों जो डेक्सामेथासोन दिया है। तो साथियों, कुर्बानी का समय चल रहा है और ऐसी स्थिति में पशुपालक भाई पर इस तरह की गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है। पूरा एडल्ट बकरा है और दांता हुआ है, कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज हम जानेंगे थायमिन किन किन बकरों में देखने को ज़्यादा मिल रही है। तो कुर्बानी का समय चल रहा है, लगभग 1.5 से 2 महीने कुर्बानी के हैं, 1.25 महीने के समथिंग आप मानो। तो ऐसे में जो पशुपालक भाई हैं बकरों को मोटा ताज़ा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में अनाज खिला रहे हैं। अनाज खाने की वजह से पशुओं में थायमिन की कमी हो जाती है और थायमिन से विटामिन B1 कम हो जाता है, और इसके चलते जानवरों में इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। थायमिन जब पशु को हो जाता है तो शुरुआती लक्षण होते हैं कि जानवर ऊपर आसमान की तरफ गर्दन करने लगता है, जब स्टेज बढ़ने लगती है तो पीछे गर्दन झुका लेता है और कभी कभी चिल्लाता है, और इस स्थिति में जब लास्ट स्टेज हो जाती है तो पशु खड़ा होने में असमर्थ होता है, खड़ा हो भी जाता है तो वो पटक खा के चक्कर खा के गिर जाता है, ऐसा प्रतीत होगा आपको जैसे कि उसको दौरे पड़ रहे हैं। तो ऐसी सेम कंडीशन है, ये बिल्कुल बेशुद्ध बकरा है। अगर इस ट्रीटमेंट से अगर हम हाई डोज में थायमिन मेडिसिन देंगे, अगर 3 दिन में बकरा रिकवर हो गया तो अच्छी बात होगी, रिजल्ट पॉजिटिव आया 3 दिन में, 3 दिन के ट्रीटमेंट से,
तो 100% आपका बकरा ठीक हो जाएगा। अगर 3 दिन के बाद बकरे में कोई भी रिजल्ट नहीं आया तो कोई भी इसमें उपचार नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब जानवर लेट जाता है तो वहाँ पर पशु का खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, चाहे वो कोई भी पशु हो। हालांकि तो थायमिन की दिक्कत है। तो आशा करता हूँ जो भी पशुपालक भाई हैं ज़्यादा मात्रा में अनाज ना दें, और कोशिश ये ना करें कि हम ज़्यादा अनाज खिलाएंगे, ज़्यादा दाना खिलाएंगे तो बकरा मोटा ताजी होगा। जितनी उसकी हैबिट है, जितनी उसकी खाने की क्षमता है, सिर्फ उतना ही दाना दें, ज़्यादा ठूसा ठासी ना करें, इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इनका पला पला बकरा है और अब हम कोशिश करेंगे इसके पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ, क्योंकि हमारा केस में हर दायित्व ये रहता है कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता दी है, अगर इसका पार्ट ना आए दूसरा तो आप समझेंगे इसमें रिकवरी नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।